वृश्चिक राशि वालों, मित्रों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपकी जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, एक ऐसा मोड़ लेकर आने वाले हैं जिसे देखने के बाद दुश्मन भी आपकी किस्मत को तारीफ करेंगे। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, आपकी किस्मत देखकर दुश्मन भी कहेंगे अरे वाह क्या नसीब है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों अगले 24 घंटे में आपकी जिंदगी अचानक से एक ऐसा मोड़ लेकर आने वाले हैं जो कि आपको भी यकीन नहीं होगा। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे आपको चारों ओर से केवल खुशखबरियां ही खुशखबरियां सुनाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका एक एक सपना सच होगा, अब आपका एक एक ख्वाब सच होने वाला है, हकीकत में बदलने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों ग्रह गोचर ने अपनी चाल को पूरी तरह से बदल लिया है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, हम आप सभी को बता दें, जो लोग आपसे अच्छे से बात नहीं करते थे वे लोग भी आपकी तरह बनना चाहेंगे और आपकी किस्मत को तारीफ करेंगे। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, क्योंकि दोस्तों ये समय बड़ा बलवान है, ये समय सब कुछ बदल देता है। एक कहावत है, किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। जी हाँ दोस्तों, और यही कहावत सच होने वाले हैं। आज की पूरी वीडियो खास ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित किया गया है, क्योंकि दोस्तों पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद वीडियो का निर्माण किया गया है। आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जो भी प्रभु महाबली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पवन पुत्र जय हनुमान जी लिखेगा, उन्हें प्रभु महाबली के साथ साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते ही एक बहुत ही अच्छे विचार से। जिंदगी सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, कभी सुख तो कभी दुख। सुख हो तो घमंड मत करना और दुख हो तो थोड़ा सब्र जरूर करना। खुद से हार कर मत बैठना, आपको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए जानते हैं अगले 24 घंटे का महत्वपूर्ण राशिफल, किस तरह से दुश्मन आपकी किस्मत को तारीफ करने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों, अगले इन 24 घंटे में आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है और यह मां लक्ष्मी का शुभ संकेत माना जाता है। किसी भी घर में मेहमान का आना यानी भगवान आपके घर आने का समान हुआ, इसलिए मेहमान को भगवान के समान माना गया है। इसके फलस्वरूप अगले 24 घंटे में नवीन कार्य प्रणाली संबंधित योजनाएं बनेगी और वह काफी सफल भी होंगी और दैनिक आय में कुछ इजाफा होगा, परंतु आपको धैर्य बनाए रखना होगा, कोई भी चीज में जल्दबाजी आपको नहीं दिखाना है। इस बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है और ईश्वर हमारे भले के लिए ही करते हैं। अपनी तरफ से जानबूझकर कोई भी गलतियां नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा सावधान, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने के बावजूद अगर वो गलतियां हो जाती है तो ईश्वर हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं, हमें उस चीज़ को लेकर टेंशन चिंता नहीं करनी है। इस दौरान अगले 24 घंटे में कोई भी महत्वपूर्ण शुभ समाचार आ सकता है। आपके पिछले कुछ समय से अपने कैरियर तथा निजी जीवन संबंधित किए गए प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है। ऐसा घटनाक्रम बनेगा कि आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी जिससे आपके साथ साथ पूरा घर परिवार भी खुशी से सराबोर रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा खुशहाल नजर आएंगे। आपको प्रयासों और परिश्रम को अपने सीनियर ध्यान से देखेंगे और वे आपके जबरदस्त समर्थन भी बन पाएंगे। इसके उपरांत आपके दुश्मन आज असहाय अनुभव करेंगे, लेकिन आपको उनसे फिर भी सावधान रहना होगा, क्योंकि वो अपनी जो निगाहें हैं आपके ऊपर बनाए हुए हैं। आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना होगा, जो कि आपके लिए ही अच्छा रहेगा। इसके उपरांत आज माहौल में ही रोमांच बिखरा हुआ है, आज बहुत सारे मनोरंजन और मजेदार आमदनियों के संपर्क में आएंगे और इनमें किसी एक के साथ मुलाकात सार्थक साबित हो सकती है।
जिनका संबंध पहले से बहुत अच्छा है, वे अपने पुराने संबंध में ही अंतरंग डिनर या पिकनिक पर जाकर एक नई जान फूंकवाएंगे और आपका पार्टनर पिछले कई दिनों से बहुत खींचा खींचा अनुभव सा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है टेंशन तनाव में है, लेकिन आज स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगी, उनकी समस्याएँ काफ़ी हद तक दूर होंगी। इसके उपरांत आप स्वभाव के गंभीर हैं और अपने कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता का फल भी अब मिलने का समय आ गया है। देखिए दोस्तों, पिछले समय में जो आप मेहनत किए थे उसका फल अब आपको मिलने वाला है। दिन के अंत में प्रमुख वित्तीय लाभ की भी संभावना है जो अपने ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अर्जित की है, लेकिन आपको केवल जो है जिम्मेदारियों और कर्तव्य की भावना से कार्य नहीं करना है, बल्कि अपने कार्यों को करने में सहायक की भावना विकसित करें ताकि आपको कार्य करते हुए आनंद की प्राप्ति हो और तन मन से कार्य करें। देखिए दोस्तों, अगर सच्चे हृदय से आप सच्चे तन मन से कार्य करेंगे उस काम में आपको सफलता भी मिलेगी और काम आपका सफल भी होगा। जितना भी काम करें आप अपने सच्चे हृदय से करें और खुशी से करें, क्योंकि जो खुशी से करेंगे वही काम आपका सफल होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, इस समय आपके जीवन में पुराने संबंध और नए संपर्क महत्वपूर्ण स्थापित निभा सकती हैं और आपके ऊपर हर जगह बहुत अच्छा कार्य करने का काफ़ी दबाव होगा, लेकिन आपको यह समझने की ज़रूरत है, यह समझने की आवश्यकता है कि ज़्यादा दबाव आपके खुद के तय किए हुए ऊंचे मानकों के कारण है। ईमानदारी और एकाग्रता आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, इसलिए कामों में आपको हमेशा ईमानदारी से कार्य करना है, लेकिन अपने आदर्शों और यकीन पर कायम रहें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप पूरे मन से सुंदर और फिट दिखना चाहती हैं, हालांकि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप एक पार्टनर की सहायता जरूर लें। एक बार अपनी फाइट जो है डाइट की समीक्षा दोबारा कर लें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा हो सकता है जिसे दिखने में आपको एलर्जी हो जाए और सलाह का पालन कम हो। आपको वर्कआउट अधिक करना है। सुबह का जो है शेयर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज का दिन संबंध सुधारने और पुराने गलतफहमियों को स्पष्ट रूप से दूर करने के लिए एकदम सही समय है। आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपसे कहीं दूर हो गया था, आपसे बहुत दूर चला गया था। इस बात की संभावना है कि प्यार, पुरानगी, दीवानगी आपके मन में दोबारा जग उठे। अतीत और वर्तमान के रिश्तों का संतुलन आधा आज आपके दिन का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। आपका चुनौतीपूर्ण समय खत्म हो गया है, अपने सफलतापूर्वक बाधाओं को पार कर लिया है जो कि भाग्य ने आपके ऊपर फेंके थे, इसलिए ये बहुत अच्छा समय है कि आप अपने आप को शांत बनाए रखें। इसके अलावा आप आराम करने की भी मुद्रा में आ सकते हैं, क्योंकि कार्य का दबाव आपके कार्यस्थल पर काफ़ी खत्म हो गया है। अच्छा कार्य प्रदर्शन आपके वित्तीय लाभ मार्ग भी खोलेगा। लंबी अवधि निवेश पैसे का भी निवेश करने के लिए यह एक अच्छा समय है। कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो।